ये है हमारी प्रेस मशीन, यहाँ पर दो लाइट लगी हुई जो ऑन ऑफ की लाइट होती है। इस हैंडल से मशीन हमारी आराम से ऊपर नीचे हो जाती है। ये हमने एक नीचे प्लेट लगाई हुई है, इसे सेरेमिक की प्लेट बोलते हैं, ठीक है। ये इसके नीचे लगानी पड़ती है, आप लकड़ी का टुकड़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी जल्दी खराब होने लगेगा लकड़ी का टुकड़ा। और यहाँ से ये बटन दिया गया है ऑन ऑफ करने का, मशीन को ऑन ऑफ करने का, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें चप्पल काटनी है, देखो सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर अपनी दाई रखी और इसे प्रेस किया और कट गई, ये देखिए चप्पल हमारी कट चुकी है। ऐसे ही मैं दूसरी काट दूंगा, दबाया और कट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप इस मशीन से चप्पल कटिंग करोगे, ये देख सकते हो, दबाया और कट, वो सिंपल से आराम से कट हो जाती है ये। और ये मैंने आगे रखी हुई है सीट काटने के लिए, क्योंकि जो ये हमारी मशीन है इसका नाम है सेमी ऑटोमेटिक अवतार मशीन, तो इसमें फुल सीट नहीं चल सकती, एक बार में फुल सीट की कटिंग नहीं कर सकते। इसमें आपको ऐसे ही एक्स्ट्रा पार्ट जो होंगे उसे इसके काट काट के तब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें पूरी सीट एक बार में काट नहीं देते, जैसे आप देखते होंगे कई बार कि पूरी सीट कटी होती है, लेकिन पूरी सीट नहीं काट सकते आप इसमें, क्योंकि इसका जो साइज है वो उतना बड़ा नहीं है, उसमें पूरी सीट आ जाए। देखिए हम जो सीट है वो उल्टी साइड से काट रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट साइड कट जाएगा। जब आप सीट को सीधी साइड से काटेंगे तो आपका राइट साइड कट जाएगा, ये देख सकते हो आप। ये लेफ्ट साइड का पेयर है जो आप काट सकते हो। अगर आप इसे ही हम पलट के काटेंगे अब सीट को, तो ये हमारा राइट साइड का पेयर कट जाएगा। अभी आप देखिएगा कटने के बाद, ये देखिए ये हमारा राइट साइड का पेयर कट चुका है, ठीक है। इस तरीके से हमारे आप देख सकते हो दोनों के दोनों पेयर रेडी हो चुके हैं, ये देखिए राइट और लेफ्ट। तो दोस्तों ये हमारा ग्राइंडर है, और सबसे पहले देखो ये दो साइड है, इधर हम घिसाई करते हैं, इधर से हम ड्रिल करते हैं। तो ड्रिल मशीन से पहले हम होल को धीरे धीरे ड्रिल करेंगे, और ड्रिल करने के बाद हम इधर साइड में रखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि आप एक साथ भी कर सकते हो कि मैंने ड्रिल करके पहले मैं इधर रख लेता हूँ, जैसे मैंने इधर ड्रिल करके रख रहा हूँ साइड में, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ड्रिल के साथ साथ आप घिसाई भी कर सकते हो। लेकिन अभी क्या करता हूँ, मैं ड्रिल करके कुछ पीसेस साइड में रख लेता हूँ, फिर बाद में उनकी एक साथ घिसाई करता रहता हूँ। और दोस्तों घिसाई करते टाइम अपने सेफ्टी गियर लगा के रखने चाहिए, जैसे कि मैंने देखो ये चश्मा लगाया हुआ है, मास्क लगाया हुआ है, ये सब चीज़ें, ऊपर कैप लगाई हुई है ताकि धूल बालों में ना घुसे और आँखों में धूल ना जाए, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं स्लीपर के, पीवीसी के ये, और मुंह में ना जाए। इसके बाद हम देख सकते हैं घिसाई करते हैं, सिंपल सी है घिसाई होगी, घिसाई बहुत आराम से होगी। अगर आप नए हो और पहली बार घिसाई कर रहे हो, तो आप प्रैक्टिस के लिए पहले लकड़ी पे घिसेगा, जो हमारा रेगमार होता है उस पे आप मत घिसेगा स्टार्टिंग में। अगर आप फ्रेशर हो, नए हो, पहली बार काम कर रहे हो, तो आप जो लकड़ी का गुटका है उसी पे घिसेगा, और साथ में उनकी किनारी भी घिस लीजिएगा ताकि चप्पल देखने में अच्छी लगे और फिनिशिंग भी अच्छी आई। ये देख सकते हो आपके लिए फिनिशिंग भी अच्छी आ चुकी है। तो इस तरीके से मैं चप्पलों को घिस रहा हूँ, और इसके बाद का प्रोसेस हम आपको स्ट्रैप डाल के दिखाएंगे कैसे स्ट्रैप डालती है। लेकिन कोई भी काम करते टाइम सेफ्टी गियर सारे अपने पहन के रख के सेफ्टी से ही काम करें। तो इस तरीके से हम घिसाई को कंप्लीट कर लेते हैं, ये देख सकते हो इंजन घिसाई हो चुकी है। तो दोस्तों हमने घिसाई का काम तो कर लिया है, अब हम स्ट्रैप डालेंगे, अपनी बद्दी डाल के दिखाऊंगा मैं। देख सकते हो आप बद्दी कैसे डालता हूँ मैं, देखो इस तरीके की स्ट्रैप आती है दर्जन में। ये मैंने यहाँ पर सिलिकॉन लिया है ताकि ये चिकना रहे, चप्पल को इसमें घुंडी में फंसाना है, और ये आधी लगा के दबा देना है, ठीक है। फिर लगानी है, दबानी है और दबा देनी है, अपने आप डल जाएगी। लगाना है, आधा करना है, दबा देना है, ये देख सकते हो मैंने यहाँ पर लगा दी, आधी फंसाई, पैर से दबाया और डन, अंदर फंसाया चप्पल के होल को, आधा लगाया और डन डल गई। ये देख सकते हो आप अच्छी तरीके से फिटिंग आ चुकी है और बिल्कुल लूज हो चुकी है, और एकदम ओके चप्पल बन के रेडी हो चुकी है, ठीक है।
और मैंने आपको पहले बता दें, ये इसमें सिलिकॉन रखा हुआ व्हाइट कलर का, यानी जो चप्पल की साइनर साइनिंग देने में काम आता है वही हमने सिलिकॉन यहाँ पर रखा हुआ, वो चिकना करने के काम आता है ताकि आराम से स्ट्रैप डल जाए। ठीक है, ये पैडल है अपनी टेबल का, इससे हम ये ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी घिसाई के बाद चप्पल डल जाती है। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाऊं कैसे हम चप्पल को पैक करते हैं। तो दोस्तों देखो, मैंने आपको बद्दी डाल के दिखा दी, घिसाई डाल करके दिखा दी और कटिंग करके दिखा दी। पहला सीट आती है आपकी बड़ी, उसमें आप प्रेस मशीन पे कटिंग करते हो। दूसरे नंबर पे आप अपने ग्राइंडर पे ड्रिलिंग मशीन पे ड्रिलिंग और ग्राइंडिंग करते हो, घिसाई करते हो। और तीसरे नंबर पे आप स्टेप डालते हो। अब है चौथा स्टेप। चौथा स्टेप में क्या है, सबसे पहले हमने देखो गीला कपड़ा लिया है, आपकी चप्पल को ऐसे हम क्लीन करेंगे चारों तरफ से। ठीक है, आपको पानी का यूज नहीं करना है, बस कपड़े का, गीले कपड़े का यूज करना है अच्छे से। उसमें भी पानी ना टपका हो, पानी टपक ना रहा हो, गीला इतना होना चाहिए कि पानी ना टपके। ठीक है, ऐसे साफ किया। साफ करने के बाद हम इस पे ऐसे फुलाएंगे, उसके बाद हम अपना सिलिकॉन लगाएंगे। ये हमारा सिलिकॉन है, सिलिकॉन ऑलरेडी हमने सिलिकॉन का कपड़ा भी अलग से रखा हुआ है, उसमें हम सिलिकॉन लगाएंगे। और सिलिकॉन लगाने के बाद, इस पर ऑलरेडी सिलिकॉन लगा हुआ है, मैंने इसलिए लगाया नहीं है। ये व्हाइट कलर का हम सिलिकॉन यूज करते हैं, ऑलरेडी कपड़े में लगा हुआ है तो मैंने यूज नहीं किया। जब आप करते रहोगे काम को तो आपको पता चलता रहेगा कि सिलिकॉन में कपड़े में ऑलरेडी लगा रहता है। ये सिलिकॉन में कपड़ा लगा दिया हमने, इस कपड़े को हम रख देते हैं साइड में। ये सिलिकॉन के लिए हमने एक अलग से डब्बा लिया हुआ है अपना। और इसके बाद हो जाती है पॉलिथीन में पैकिंग। और इस तरीके से हम अगर इसे बॉक्स में पैक करना चाहे तो पन्नी में डाल के बॉक्स में डाल सकते हैं, और आप खुला बेचना चाहे तो ऐसे पन्नी में बांध के और गांठ लगा देते हैं। तो इस तरीके से आपका ये चप्पल बन के रेडी हो जाता है। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ कि मैं कैसे अपनी 6-6 पीस की घंटी बनाता हूँ, 6-6 पीस की पैकेट पैक करता हूँ। देखो इस तरीके से मैंने नंबर लगा रखे हैं, 9 नंबर है, 8 नंबर है, 7 नंबर है, 6 नंबर है। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं एक पीस उठाऊंगा 9 नंबर, एक पीस उठाऊंगा 8 नंबर, दो पीस उठाया मैंने 7 नंबर, और दो पीस उठाया मैंने 6 नंबर। उठा के इन्हें पैक कर देना है। ठीक है, पैक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से आपने अगर डिली, बाहर की साइड आपके बड़े साइज है और अंदर की साइड आपके छोटे साइज है, इस तरीके से आपको टेपिंग करना है। ये टेपिंग कर दिया हूँ, और इस तरीके से चारों तरफ को आपको टेपिंग करके रेडी कर देना है। और यहाँ से अपना ये आपका एक पैकेट रेडी हो चुका है 6 पीस का। इसे तो इस तरीके से हम हवाई चप्पल के पैकेट रेडी करते हैं। हवाई चप्पल हमारी फैक्ट्री में बनती है, आपने देख लिया, मैंने आपको शुरू से प्रोसेस समझा दिया कैसे आप मतलब जीरो से लेके एंड तक हवाई चप्पल रेडी होती है। अगर इसमें आपका कोई कमेंट हो कि कैसे, और कोई अगर आपको प्रॉब्लम आ रही, कुछ और क्वेरीज हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।